दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ ए बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समम, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने अपने YouTube की अर्निंग से जो अपना फर्स्ट लैपटॉप परचेस किया है, तो उसके बारे में उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट आए हैं कि भैया अपनी अर्निंग के बारे में बताओ और आपके जो चैनल है कैसे मोनेटाइज हुआ। आप सभी को पता होगा कि मेरे दो चैनल मोनेटाइज हैं और दोनों से पेमेंट आता है, दोनों से अर्निंग होता है। तो उसके बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे दोनों चैनल मोनेटाइज कैसे हुए और कितना टाइम लगा मेरे को, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोनों ही एडसेंस दिखा देता हूँ, क्योंकि वही प्रूफ होते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। क्योंकि आजकल तो जो बिना मोनेटाइज के चैनल हैं उन पे भी ऐड आने लगे हैं और कम्युनिटी टैब तो 1000 के सब्सक्राइबर के ऊपर मिल जाता है, लेकिन जो 4000 घंटे वॉच टाइम है वो कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं सबसे पहले तो दोनों ही एडसेंस पिन आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले ही फिल कर दिया था। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला नहीं था, ना ही मेरा कोई ऐसा पर्पस है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और जो TRP है उसके लिए कुछ भी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैंने ना ही मोनेटाइजेशन का, ना ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, ये कुछ भी फालतू के वीडियो नहीं बनाए थे। लेकिन अब मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, जो मेरा सपना था कि मैं भी लैपटॉप चलाऊं, तो मैंने आप लोगों की मदद से वो पूरा किया था। तो उसका एक वीडियो बनाया था, उस पर आप डिटेल मांग रहे हैं और आप लोग अगर डिटेल मांग रहे हैं तो मेरा डिटेल बताना, आपके साथ जो भी शेयर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना मेरा भी फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो दोनों ही एडसेंस दिखाने वाला हूँ। ये दोनों एडसेंस हैं, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं और इन्हें मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इनका ये जो कोड रहता है जो कि 6 डिजिट का रहता है, तो यही आपको फिल करना रहता है। और ये, और दूसरा अगर मैं बात करूँ, ऐसा आप मत बोलिएगा कि एक ही डबल रोल में दिखा रहे हो। तो ये हैं दोनों, तो ये हमारे दोनों एडसेंस पिन हैं और दोनों ही चैनल के, एक एक चैनल का है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जो मेरा सबसे पुराना चैनल स्टडी चैनल है, और ये कैसे मोनेटाइज हुआ, कितना टाइम इसमें लगा, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने किस परिस्थिति में रहकर वीडियो बनाए हैं और अब मैं क्या आपको बता सकता हूँ। मैंने कई बार बिना खाना खाए भी वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। जो मैं दूसरा काम करता, किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, टाइम पता नहीं है कब जॉब लगेगा कब नहीं लगेगा। आजकल तो 2 से 3 साल 4 साल तो नॉर्मल हो गया, और 2-3-4 साल में करीब 3-4 लाख रुपये नॉर्मल शहर में जाके कोचिंग करो रूम का, तो 3-4 लाख हो जाता है, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो सिर्फ यही ऑप्शन बचा था, और या कॉमेडी चैनल बनाओ, न्यूज़ चैनल बनाओ, तो उसके लिए आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना पैसे का आजकल कोई भी किसी का भी दोस्त नहीं है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके साथ आपके दोस्त भी हैं, बचपन में मेरे भी दोस्त थे जब तक मैं उनके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन जब से पीछे घूमना छोड़ दिया, उनका जो उनके काम आना बंद कर दिया, अपना कुछ काम देखने लगा, तब से दोस्ती सब ख़त्म हो गई। और जब तक पैसे मिलते रहते हैं घर से, तब तक कुछ दोस्त आपके साथ रहते हैं। जब धीरे धीरे पैसे भी, एक समय आता है घर से पैसे भी मिलना बंद हो जाते हैं, तो आपकी धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तो यही मेरे पास ऑप्शन था और आप लोगों ने सपोर्ट किया और आज इस जगह पे बिठा दिया कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट आपने बना दिया है। और आपसे उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँगा। आप सभी को पता है कि मैंने जॉब भी किया है और
बहुत कुछ किया है। तो सबसे पहले तो मैं DK सक्सेस पॉइंट नाम से मेरा जो फर्स्ट चैनल है एजुकेशन चैनल, उस पर ऐसे वीडियो डाल देता था, बहुत सारी गालियाँ मिली, जितने कमेंट और लाइक नहीं मिले उससे 100 गुना गालियाँ मेरे को मिली, क्योंकि मेरे पास एक आईटेल का मोबाइल था, 5000 का सेकेंड हैंड लिया था, तो उसका ना ही कैमरा अच्छा था, कुछ भी अच्छा नहीं था, ट्राईपॉड वगैरह कुछ माइक वगैरह नहीं था मेरे पास, तो छत पे बैठ के, क्योंकि नीचे ज़मीन तो प्लस्तर था नहीं, तो छत पे बैठ के एक हाथ से पकड़ता था मोबाइल, एक हाथ से पढ़ाता था, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बहुत ही कम था, और रफ पे पढ़ाता था क्योंकि मुझे पता था कि जो परमानेंट कॉपी होगी वो महंगी आएगी, तो हाथ से पकड़ता था, एक हाथ से पढ़ाता था, कभी कभी होता था कि दिखा मैं फर्श को रहा होता है कैमरा में और पढ़ा कुछ और रहता हूँ, तो कई लड़के गाली देते हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है वो लिखा कहाँ पे है, और कई बार तो मैं इसके दोनों के चक्कर में जो होता है ना, हिंदी भी गलत पढ़ जाता, संख्याएं गलत बोल जाता, क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर रहता, तब तक कोई आके कुछ बोल देता या इधर उधर से आवाज़ें आने लगती, कोई चिल्ला रहा है इधर गांव देहात में, तो मेरे को एडिटिंग करना नहीं आता था, जैसे कोई सीन आके किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब हुआ तो मुझे वो पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ता था, इसलिए 1 या 2 बजे में वीडियो बनाता था, रूम में लाइट जला के, जो मोबाइल का एक फ्लैश लाइट होता है उसी से, क्योंकि जो दूसरा लाइट होता था, एक लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होता था वो घर में जलता था, खाने पीने में तो बचता नहीं था, तो मोबाइल के फ्लैश से वीडियो रिकॉर्ड करता था, बहुत सारी गालियाँ मिली, और जो सबसे ज़्यादा गालियाँ हैं वो मेरे गाँव वाले ही हैं और मेरे दोस्तों ने ही मेरे को दी, क्योंकि शुरुआत में मेरे दोस्तों को ही पता था कि ये वीडियो बनाता है, और वो जान जाते थे कि इसी का चैनल है, तो बहुत ही ख़राब ख़राब गालियाँ मेरे को लिखकर कमेंट में देते थे, कुछ दिन तो गुस्सा रहता था कि कुछ बोलूं लेकिन क्या बोल सकते थे। और जो दूसरा चैनल है कैरियर एम्प्लॉय, और जो दो चैनल मैंने बताए DK सक्सेस पॉइंट और कैरियर एम्प्लॉय, दोनों ही मोनेटाइज हैं, तो ये कैरियर एम्प्लॉय जब मैं जॉब करने गया, अब मैं आप सभी को बता दूं मैंने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन से, तो जब मैं जॉब करने गया सुजुकी मोटर गुजरात में, तो वहीं फर्स्ट दिन से ही मैं 4 दिन क्वारंटाइन रहा था, क्वारंटाइन का जो खाना आया था उसका मैंने वीडियो, शायद शॉर्ट वीडियो या 1-2 मिनट का वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो उस पर बहुत सारे कमेंट हुए, जो लड़के हैं या जो सब्सक्राइबर हैं वो सभी तो उसके बारे में और डिटेल मांगने लगे, कब सिलेक्शन हुआ, क्वारंटाइन कितने दिन लगते हैं, मेडिकल कैसे होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, कब कैंपस आता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मांगने लगे, तो एक वीडियो ऐसे ही और डाल दिया, तो इसी तरीके से उनकी डिमांड बढ़ती गई, और फिर मैंने धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कैंटीन में जाके रात में वीडियो बनाता हूँ, अगर आप करियर एम्प्लॉय को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप देखेंगे जो हमारे पुराने वीडियो हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। तो फिर लड़के ये पूछने लगे कि डोमेट्री कैसी है, तो डोमेट्री के बारे में बताया, खाने के बारे में बहुत कुछ मैंने उस पर बताया है, तो इस तरीके से मेरा यूट्यूब जर्नी शुरू हुआ। लेकिन जो DK सक्सेस पॉइंट था उसमें लगभग मेरे को 3 साल लग गए, क्योंकि उस पर एक वीडियो आया, फिर 2 महीने तक कोई वीडियो नहीं आया, फिर एक वीडियो आया, 6 महीने तक कोई वीडियो नहीं आया, फिर लगातार 1 महीने तक 30 वीडियो आ गए, फिर कोई वीडियो नहीं आया 2-3 महीने तक, तो ऐसे करके वीडियो उस पर आते थे। लेकिन कैरियर एम्प्लॉय पर मैंने लगातार मेहनत किया और लगभग 3 महीने में ही ये चैनल मोनेटाइज हो गया था, तो ये कैरियर एम्प्लॉय बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो गया 3 से 4 महीने में, और जो DK सक्सेस पॉइंट था उसमें 2.5 से 3 साल लग गए थे मेरे। तो इस तरीके से मेरा यूट्यूब जर्नी शुरू हुआ, बहुत कुछ बहुत ही बुरी परिस्थिति में मैंने वीडियो बनाया है, तो आप सभी समझ सकते हैं, और आप लोगों की वजह से ही आज मेरे पास ये जो माइक आप देख रहे हैं ये आप लोगों की देन है, जो लैपटॉप आप लोगों की ही देन है, जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, उसी की वजह से मैं अपना सपना पूरा कर पाया, और आई होप आप सभी आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। और जो मेरी अर्निंग है इसका वीडियो, जो मेरा तीसरा चैनल है दिलीप दुबे ब्लॉग नाम से, उस पर ये आने वाला है
जो मेरा अर्निंग का वीडियो है कि मैं कितना कमाता हूँ, कैसे कमाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ये पूरा डिटेल मैं उसी पे देता हूँ। क्योंकि जो DK सक्सेस पॉइंट है वो स्टडी चैनल है, उस पर स्टडी के अलावा कोई और वीडियो मैं नहीं डालना चाहता। और ये करियर एम्प्लॉयज में जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो इसमें भी इधर उधर की चीज़ें नहीं डालना चाहता। तो इसलिए आप सभी वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दिलीप दुबे ब्लॉग नाम से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सब मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैं कितना अर्निंग करता हूँ, क्या करता हूँ, किस चीज़ की पढ़ाई करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे को देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि भाई हार नहीं मानना है, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है, कहीं से प्रमोशन नहीं करवाया है मैंने, और सब आप लोगों की वजह से। अगर आप मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल आपका होता है, मेहनत कामयाब होता है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत कभी किसी का भी बेकार नहीं गया और ना ही आपका जाएगा। जिस भी स्तर पे आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप YouTube पे ही आइए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, तो लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी बातें रहती हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो ये पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने लैपटॉप वाला वीडियो बनाया था उसमें बिल्कुल ईंटों की एक दीवार थी और इसमें पीछे प्लास्टर वगैरह सब है, ये क्या है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो ये आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो सब कुछ। और तो आप सभी के जो जॉब से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपके कल से आना शुरू हो जाएंगे। आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिस्टर की शादी है, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, उसमें काम में जो काम था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। और मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, एग्ज़ाम तो अभी भी चल रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के, तो इसलिए, लेकिन एग्ज़ाम होते रहेंगे, एक दो दिन का छुट्टी मिलता है, दो तीन दिन का, तो आपके वीडियो कंटिन्यू कल से हो जाएंगे। आप सभी जो कैंपस हैं उन्हें ज्वाइन करके आप किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।